हमने जो विषय लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है संसार सुखमय करना ही परमार्थ है। संसार को सुखमय करना यानी परमार्थ। ये विषय सर्वांग से और सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो शब्द हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। संसार सुखमय करना और परमार्थ, ये चार शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि संसार को सुखमय करना पड़ता है, संसार सुखमय होता नहीं है। ये मुझे खास तौर पे कहना है क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि नसीब में जो लिखा है वही होगा, नसीब में होगा वैसे ही होगा। हमें प्रयत्न करना है कि नहीं करना है ये प्रश्न ही नहीं है। और इसलिए लोग आज सर्वसामान्य रूप से नसीब पर निर्भर रहते हैं और हमारे ललाट पे जो कुछ लिखा है किसी ने उसी प्रकार सब होते रहेगा, ऐसी लोगों की एक धारणा बन गई है। ऐसी एक धारणा है कि बच्चे का जन्म होने के बाद पांचवें दिन कोई आता है और ललाट पर भविष्य लिख कर जाता है, ऐसी एक धारणा है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अब तक हुआ नहीं है, परंतु कुछ लोगों की धारणा दृढ़ हो गई है। वास्तव में हमारे ललाट पर यदि कोई लिखता है तो वह हम ही लिखते हैं, यह हमें ध्यान में रखना है, अन्य कोई भी नहीं लिखता। हम ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं, इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ऐसा जीवन विद्या का जो सिद्धांत है उसमें यदि ललाट पर कोई लिखता है तो वह हम ही लिखते हैं क्योंकि हम जो करते हैं, हम बोलते हैं, इच्छा करते हैं, चिंतन करते हैं और प्रत्यक्ष कर्म करते हैं, इन सभी से नियति नाम की एक चीज निर्मित होती है। यानी हम जो करते हैं उससे जो निर्मित होता है उसे नियति कहते हैं और इसलिए अपनी नियति को स्वयं ही हम जन्म देते हैं और वो नियति हमारे सुख दुख का कारण बनती है। ये बात एक बार हमारी समझ में आ गई तो फिर ये लिखने वाला कहो या बाकी अंधविश्वास कहो, ये सब अपने आप लुप्त हो जाते हैं। इसलिए नसीब में होगा वही होगा ये सच नहीं है, हम जैसा बनाते हैं वैसा नसीब बनता है, ये बात वस्तु स्थिति से सुसंगत है। और इसलिए संसार को सुखमय करना या नहीं करना ये तुम पर निर्भर करता है, अन्य किसी पर नहीं। अब मजे की बात यह है कि लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है कि संसार दुखमय ही है। पुरातन काल से लेकर आज तक लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है कि संसार दुखमय ही है, संसार सुखमय होना संभव नहीं। परंतु जीवन विद्या ऐसा कहती है कि ये सच नहीं। हिंदी में एक सुंदर कहावत है, हमारी ये कहावतें बड़ी सुंदर हैं और वे सभी सत्य का दर्शन कराने वाली ये कहावतें हैं। उनमें से एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। समझ में आया कि नहीं? ऐसी एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब ये नाच जो है वो नृत्य एक कला है, उस कला का तुम्हें अभ्यास करना चाहिए, उसका अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए और ये चीजें जब तुम्हें प्राप्त होती हैं तब तुम उत्तम तरीके से नृत्य कर सकते हो, नाच सकते हो। परंतु आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं नाच नहीं सकता, ऐसा यदि कोई कहने लगे तो उसका अर्थ यही है कि उसे नाचना नहीं आता इसलिए वो आंगन टेढ़ा कह रहा है। वैसे ही हमारा संसार है कि संसार दुखमय है, संसार दुखमय है ऐसा जो हम कहते आए हैं उसका एक ही कारण है कि संसार सुखमय कर सकते हैं, ये बात हमें आज तक किसी ने नहीं बताई। हमें जो कहा गया है वो उल्टा कहा गया है और इसलिए इसका परिणाम यह हुआ है कि संसार को सुखमय करना पड़ता है। ये बात हम भूल गए और हम सब कुछ नसीब के सब हवाले करके बैठ गए और उससे हमारे जीवन में जो अनेक अनिष्ट बातें निर्माण हुई उनके बारे में बात करने का कोई कारण नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संसार को सुखमय करना यानी परमार्थ
ये सिद्धांत जब हम प्रस्तुत करते हैं उस समय संसार को सुखमय करने के लिए क्या आवश्यक है, ऐसा जब प्रश्न का निर्माण होता है कि संसार को सुखमय करने के लिए क्या करना चाहिए, उसे मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताता हूं कि संसार को सुखमय करने के लिए आपके पास कला होनी चाहिए। अभी मैंने बताया कि नृत्य यदि उत्तम तरीके से करना हो तो वो कला है, यह पहले हमें समझ लेना चाहिए। उस कला को किसी से सीखना चाहिए, उस कला का किसी के मार्गदर्शन में अभ्यास करना चाहिए, और इस प्रकार जब तुम अभ्यास करोगे किसी के मार्गदर्शन में तभी तुम उत्तम तरीके से नृत्य कर सकते हो। परंतु यदि तुम कहोगे कि मेरे नसीब में जैसा होगा वैसे मैं नाचूंगा, अच्छा या बुरा, ऐसा यदि तुम कहोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, तुम अच्छा नाच ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें नृत्य की कला आती ही नहीं, उस पर कैसे अमल करना है यही ज्ञात नहीं है, मार्गदर्शन नहीं, अभ्यास नहीं, तो तुम नृत्य कर सको यह संभव नहीं है। वैसे ही संसार का है, जीवन जीना एक कला है, और जीवन जीना यानी संसार, यह मैंने पिछले प्रवचन में कहा था। संसार का मतलब पत्नी बच्चे, संसार यानी घर बार, संसार यानी उद्योग धंधा, ऐसा जो हम समझते हैं वही मूलतः गलत है। संसार जिसे हम कहते हैं संसार यानी जीवन जीना यानी संसार। अब जीवन जीना यानी संसार ये एक बार समझ में आने के बाद फिर वो सन्यासी हो, साधु हो, बैरागी हो, वैरागी हो, कोई भी हो, उसे संसार कहने पर जीवन जीना यानी संसार, फिर वो पृथ्वी के किसी भी स्थान पर जाए तो भी जीवन जीने के लिए उसे हाथ पांव तो मारने ही पड़ेंगे, जीवन जीने के लिए उसे सभी इंद्रियों का उपयोग करना ही पड़ता है। और इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संसार किसी के लिए नहीं छूटता। संसार त्यजु बणसी तरी शरीरा एवड़ा जाड़, ऐसा ज्ञानेश्वर जी ने एक सुंदर अभंग में कहा है कि संसार त्यजु बणसी, मैं संसार छोड़ दूंगा कहोगे तो भी तुम संसार नहीं छोड़ पाओगे, जब तक यह शरीर है तब तक तुम इस संसार को नहीं छोड़ सकते, तुम जहां जाओगे वहां संसार तुम्हारे साथ है। जैसे संत तुकाराम कहते हैं, जेथे जातो तेथे तू माजा सांगाती, वैसे ही आप पृथ्वी पर कहीं भी जाओ तब भी शरीर तुम्हारे साथ है, और इसलिए शरीर जब तक तुम्हारे साथ है तब तक संसार हमसे छूट नहीं सकता, यह सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। हम कहते हैं मैं भाई और बहन को छोड़ दूंगा, तो भाई बहन छोड़ने पर भी शिष्य और शिष्याएं आएंगे ही। तुम कहोगे घर छोड़ दूंगा तो आश्रम आ गया, तुम क्या छोड़ोगे और क्या रखोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार आपको जीवन जीना यानी संसार यह एक बार तय हो गया, फिर तुम्हें जीवन जीने के लिए हाथ पांव मारने ही पड़ते हैं, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, और फिर तुम चाहे किसी भी आश्रम में हो फिर भी आपके लिए संसार छूटता नहीं है, यह बात ध्यान में रखिए। और इसलिए संसार हमारा जो है उसे सुखमय करना है या दुखमय करना है यह तुम पर निर्भर है, यह तुम्हें कभी भूलना नहीं है। और इसलिए संसार को सुखमय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संसार को सुखमय करने के लिए जीवन जीना एक कला है, यह तुम्हें पहले समझना होगा। पहली बात जो तुम्हें समझनी चाहिए वह यह कि जीवन जीना यह एक कला है। हमें पता है कि अब तक 64 कला और 16 विद्या, ऐसी हमने एक सूची बनाई है, उस सूची में जीवन विद्या कहीं भी नहीं है, जीवन जीना एक कला है यह कहीं भी नहीं है। यानी इसका अर्थ क्या है, जीवन जीना एक कला है यह किसी को अब तक पता ही नहीं था, यह इसका अर्थ है कि अब तक किसी को पता भी नहीं चला कि जीवन जीना एक कला है, और इसलिए जीवन जीना एक शास्त्र है, जीवन जीना एक कला है, जीवन जीना एक विद्या है, और इसलिए यह कला, यह शास्त्र, यह विद्या आपको प्रथम वो विद्या है, कला है, शास्त्र है, यह ज्ञात होना चाहिए, यह पता होना चाहिए। फिर यह कला है इसे किसी से सीखना चाहिए। मैं अपने आप सीखूंगा ऐसा सोचोगे तो नहीं सीख पाओगे, किसी से सीखना पड़ेगा। कला कहो, विद्या कहो, शास्त्र कहो, उन्हें किसी से सीखना चाहिए। फिर उन्हें आप कोई भी नाम दे दो, गुरु कहो, सद्गुरु कहो, मार्गदर्शक कहो, गाइड कहो, उसे नाम क्या देना है यह आपका प्रश्न है, परंतु
परंतु मार्गदर्शक होना आवश्यक है, इस विषय में विवाद नहीं होना चाहिए। और इसलिए यह कला है, जीवन जीना एक कला है, यह पहली बात। जीवन जीना कला है कहने पर यह कला किसी ने हमें सिखानी चाहिए, यह दूसरी। कला कहने के बाद, विद्या कहने के बाद, शास्त्र कहने के बाद उसका अभ्यास करना चाहिए, यह तीसरी। यह अभ्यास पूर्णतः मनपूर्वक करना चाहिए, जैसे तैसे करने से उसमें पूरी तरह ध्यान देकर अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के विभिन्न तरीके हैं। कोई यूं ही किताब को अपने आंखों के सामने रखकर पढ़ाई करता है, कुछ लोग एक बार पढ़ लेने पर पढ़ाई हो गई ऐसा कहते हैं, वैसा नहीं। अभ्यास नाम की जो चीज है वो एक अलग कला है, फिर से अभ्यास करना भी एक कला है। जीवन जीना जैसे कला है, वैसे अभ्यास करना भी एक कला है। फिर चाहे वो अभ्यास विद्यालय का हो, अभ्यास कॉलेज का हो, वो अभ्यास जीवन विद्या का हो, वो अभ्यास कोई भी हो, अभ्यास कहें तो उसके लिए आपको उसे किसी से सीखना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए श्रम करने चाहिए। यह बात हमें ध्यान में रखना है। और इसलिए जीवन जीना कला है, यह अब तक ज्ञात न होने के कारण इस कला का अंतर्भाव कहीं भी हुआ दिखाई नहीं देता, इस विद्या का अंतर्भाव कहीं भी हुआ दिखाई नहीं देता, इस शास्त्र का अंतर्भाव कहीं भी हुआ दिखाई नहीं देता, यह हमें ध्यान में रखना है। इसलिए जीवन विद्या ने इस विषय में एम्फेसिस किया है कि जीवन जीना एक कला है और इस कला को आत्मसात किए बिना तुम सही मायने में जीवन को सुखी, समृद्ध, संतुष्ट और सफल नहीं बना सकोगे। और इसलिए जीवन जीना एक कला है, ये बात एक बार हमारे ध्यान में आ गई, फिर इस कला को आत्मसात करने के लिए हमें कोई मार्गदर्शक चाहिए। अब मार्गदर्शक कहें, गुरु कहें, सद्गुरु कहें, शिक्षक कहें, विशेषतः सद्गुरु गुरु कहें, तो बहुत लोगों के माथे पर शिकन आती है। गुरु सद्गुरु कहें तो बहुत से लोगों के माथे पर शिकन आती है, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि ये गुरु और ये सद्गुरु चाहिए ही क्यों, हमारा संबंध डायरेक्ट परमेश्वर से है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा संबंध सीधे परमेश्वर से है, हमें बीच में ये दलाल नहीं चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। यानी गुरु सद्गुरु को ये लोग दलाल कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये गुरुडम चाहिए ही क्यों, ऐसा कहने वाले लोग हैं, गुरुडम। परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि तुम कितना ही डमडम डमडम करो तो भी गुरु की आवश्यकता, सद्गुरु की आवश्यकता, मार्गदर्शक की आवश्यकता, गाइड की आवश्यकता अवश्य है। उसके सिवा आप उसमें प्रगति नहीं कर पाओगे, यह बिल्कुल पत्थर की लकीर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तुम किसी भी क्षेत्र में जाओ, वहां गुरु जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, यानी आपको यदि चोरी भी करनी हो तो चोरी करने का भी शास्त्र है और उसके लिए चोरी करने के कई विद्यालय भी हैं और वहां चोरी कैसे करते हैं यह सिखाया भी जाता है, यानी वहां भी गुरु आ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चोरी कहो, डकैती कहो, जीवन का कोई भी अंग कहो, वो हमें सीखना पड़ता है। छोटा बच्चा जन्म लेता है, देखिए छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तब उस बच्चे के जन्म के बाद उसका पहला गुरु यानी उसकी मां, उसका पहला गुरु उसकी मां है। यदि मां अपने उस बच्चे के पास नहीं होगी या उस बच्चे के पास यदि कोई भी नहीं होगा तो वह बच्चा बोल भी नहीं पाएगा। बोलना एक ऐसी कला है जो हमें हासिल होती है जब हम मां हमसे बात करने लगती है तब। कहने का तात्पर्य यह है कि मां उस बच्चे की पहली गुरु है, वो बच्चे को बहुत सी चीजें सिखाती है, इसलिए वो पहला गुरु यानी मां। इसलिए मातृदेवो भव ऐसा हम जब कहते हैं, पितृदेवो भव ऐसा हम कहते हैं, आचार्य देवो भव ऐसा हम जो कहते हैं, उसका कारण यह है कि यह आवश्यक बात है कि सिखाए बिना सीखना संभव नहीं, सिखाए बिना सीखना संभव नहीं।
यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। और इसलिए सीखना, जीवन जीना एक कला है, और यह कला, यह विद्या, यह शास्त्र सीखना बहुत आवश्यक है, और इसलिए जीवन जीना एक कला है, यह हमारी समझ में आएगा। फिर इस कला को हमें किससे सीखना है? जिससे आप सीखोगे वो आपका सद्गुरु। इसलिए बचपन में माँ आपकी सद्गुरु, आप थोड़े से बड़े हो गए कि आपके पिता आपके सद्गुरु, आप थोड़े और बड़े हो गए तो आपका कोई मित्र हो तो आपका सद्गुरु हो सकता है, विद्यालय के शिक्षक आपके सद्गुरु हो सकते हैं, और इस प्रकार आप जिस क्षेत्र में जाएं उन सभी क्षेत्रों में आपको किसी न किसी से सीखना पड़ता है। आप यदि ऑफिस में भी जाओ तो ऑफिस में जाने के बाद भी आपको वहां कोई ना कोई सिखाता है, और जो सिखाता है वो ऑफिस में आपका पहला गुरु बन जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सीखना और सिखाना, ये दोनों बातें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सीखना और सिखाना, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन दोनों महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा करना यानी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना है। और इसलिए उसे आप कोई भी नाम दो, परंतु गाइड या मार्गदर्शक बहुत ही आवश्यक है, और जीवन जीना एक कला है। ये यदि हमें एक बार अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो ये कला हमें हासिल करने के लिए, अवगत करने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करने चाहिए, उसके लिए हमें कहीं जाना चाहिए, खोज करना चाहिए, गुरु के लिए, गाइड के लिए, मार्गदर्शक के लिए हमें खोज करनी चाहिए। कुछ लोगों को गलतफहमियां ही बहुत हैं, यानी सारी गलतफहमियां ही है संसार में, गलतफहमियां ही अधिक है और सही धारणाएं बहुत कम है, और इसलिए संसार दुखमय बन गया है। तो कहने का तात्पर्य कि हर जगह गलतफहमियां हैं, और परमार्थ में तो उसकी भरमार ही है। परमार्थ में ऐसा कहा जाता है कि गुरु तुम्हारे गुरु जो को जाकर खोजने की जरूरत ही नहीं, गुरु ही खोजते हुए आता है शिष्य के पास। इसके जैसा बिल्कुल अनुचित सिद्धांत अन्य कोई नहीं। मैंने कई कई किताबों में पढ़ा है, कीर्तन प्रवचनों में मैंने सुना है, ये सब गलत है। ये हमें ध्यान में रखना है कि गुरु तुम्हें खोजते हुए नहीं आएंगे। जरूरत किसे है, गुरु को है या तुम्हें है? गुरु की जरूरत यदि तुम्हें है या गुरु को है? यदि तुम्हें गुरु की जरूरत महसूस होगी तो तुम गुरु की खोज करोगे। और इसलिए मुझे यदि गाना सीखना है तो गायन सिखाने योग्य कौन है, इसका मुझे प्रथम विचार करना चाहिए, उसके पहले खोज करनी चाहिए कि अच्छी तरह से गायन सिखाने वाला कौन है, और फिर मुझे वो जो अच्छा गायन सिखाने वाला व्यक्ति है उसे खोजते खोजते, उसका पता पूछते पूछते उसके घर तक पहुंचना है, उसके घर जाना चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए कि महाराज हमें गायन सिखाइए। और इतना करने के बाद भी वो सिखाएंगे ही, ये तय नहीं, ये बात अलग, परंतु ये करना ही चाहिए। आप कहोगे कि गुरु अपने आप आपके पास चलते हुए आएंगे, ये सच नहीं है। अब कुछ अपवाद रहे होंगे, जीवन में कुछ अपवाद होते हैं, जैसे यदि हमें बेटी का विवाह तय करना हो तो बहुत से माता पिता को, विशेषतः पिता को, कई प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं बेटी के विवाह को तय करने के लिए। ऐसे अनेक पिता हैं जिन्हें बेटी के विवाह के लिए कई प्रयास करने पड़े हैं, और ऐसे कुछ पुण्यशाली लोगों को भी मैं जानता हूं जिन्हें एक नहीं तीन बेटियां हैं, और तीन बेटियां होने के बावजूद उन्हें किसी के भी द्वार पर जाने की जरूरत पड़ी नहीं, उन्हें पति मिल गए, अच्छे पति मिले, कोई सामान्य नहीं, उत्तम पति मिले। परंतु इसका अर्थ यदि आप ऐसा कहोगे कि उनके साथ ये क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों नहीं, उसका कारण है। हर बात का एक कारण होता है, जहां परिणाम है वहां कारण होता ही है, जहां परिणाम है वहां कारण भी होता है। इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। कारण है, कारण क्या है, उसके लिए पुण्य जरूरी है। आप कहोगे ये कहां से ले आए महाराज, पाप और पुण्य ये बातें अब पुरानी हो गई, कैसा पाप और कैसा पुण्य लेकर बैठे हो, आज की दुनिया में पाप नहीं और पुण्य नहीं, आज ईश्वर ही नहीं ऐसा कहते हैं, वह पाप कैसा और पुण्य कैसा। मजेदार बात यह है कि आप कितना ही किसी बात के लिए ना कहो, वो नहीं है ऐसा नहीं होता, और किसी बात के लिए वो है कहने से वो है ऐसा नहीं होता। है या नहीं,
यह आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। ईश्वर है या नहीं यह आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, वो है। और यदि वह है तो आप कितना ही मना कर लो उसका अस्तित्व मिट नहीं सकता, और यदि वो नहीं होगा तो कितनी ही आप पूजा करो या पाठ कर लो तो भी तुम्हें ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। यानी प्रश्न ऐसा है कि सचमुच वो है कि नहीं, यह प्रश्न है। तब कहने का तात्पर्य यह कि पुण्य नाम की जो चीज है वो पुण्य आप मानो या न मानो, अर्थात जहां पुण्य कहो वह पाप भी होता है। यह एक और मजे की बात है, पुण्य कहो तो वह पाप भी आ जाता है, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक पाप और एक पुण्य। और इसलिए पुण्य जीवन में बहुत आवश्यक है। यदि पुण्य कमाया न हो और साथ न हो तो आपके जीवन में आपको अनेक समस्या, संकट, आपत्ति विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। परंतु यदि आपके पास पुण्य है तो आपके जीवन में आपका संसार सुखी करने के लिए यह पुण्य आपके उपयोग में आता है। अर्थात यह विषय बहुत बड़ा है, पाप और पुण्य विषय बहुत बड़ा है, इसकी हम चर्चा करेंगे, परंतु मैं अभी नहीं करूंगा। अभी मुझे इतना ही कहना है कि जीवन में पाप और पुण्य ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए पुण्य विशेषतः कमाया हो या साथ हो, दोनों हो तो उत्तम ही है, नहीं तो कमाया हुआ चाहिए या साथ होना चाहिए। और इसलिए पुण्य हमारे पास होगा तो जीवन में हमें अनेक चीजें आसानी से मिल जाती हैं, और यदि हमारे पास पुण्य नहीं है तो हमें अनेक चीजें पाने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है। यह हमारे जीवन का अनुभव है, लोग सीखते नहीं है, लोग अनुभव से सीखते नहीं, यही समस्या है। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि सीखना बहुत महत्वपूर्ण चीज है और सिखाना भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इसलिए सीखने की तैयारी होना चाहिए और सिखाने वाला मिलना चाहिए। ये दोनों चीजें जब हमें मिलती हैं तब हमारे जीवन में आनंद ही आनंद निर्मित होता है। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद हो, ऐश्वर्य।